मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कांग्रेस ने अब चुनाव को लेकर कमर कस ली है और जगह जगह जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा अब लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, तो वहीं प्रयागराज में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबा अभय अवस्थी ने किस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, क्या उसका एजेंडा होगा और किस तरह से मुद्दा होगा उन्होंने बताया। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा होगा कड़वा तेल। आइए सुनाते हैं क्या कहा बाबा अभय अवस्थी ने। कांग्रेस का एजेंडा एकदम तय है, बेरोजगार नौजवानों की आत्महत्याएं, कड़वा तेल, प्याज, टमाटर, ऐसे बुनियादी जो गरीब के भोजन, थाली के भोजन हैं, इनकी जो है जो आपने लूट की आढ़तियों के द्वारा, गुजरात के आढ़तियों के द्वारा, गैस का सिलेंडर, पेट्रोल, इन बुनियादी जो जनता की बुनियादी जो है स्वास्थ्य सेवाएं, इन मुद्दों पर चुनाव जो है हम लोग ले चलने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो चुनाव का टर्निंग पॉइंट होगा मेरी निगाह में, वो कड़वा तेल का दाम। जैसे कहा जाता है कि पिछले कोई चुनाव प्याज पे हुआ, टमाटर पे हुआ, पेट्रोल पे भी हो चुका, अब की का चुनाव कड़वा तेल पर होगा। और जब जो है कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी की जो है नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में जो मेहनत कर रही है, लड़ रही है बुनियादी सवालों का, ये जब जो है कड़वा तेल का फाहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बक्से पर रखेगी तो बहुत छरछराएगी। राम मंदिर अब हो गया, 370 हो गया, अब ये जो है कहा जाता है कि बासी कढ़ी में उबाल नहीं आता, ये बासी कढ़ी है। अब बुनियादी मुद्दों पर चुनाव होगा और जब बुनियादी मुद्दों पर चुनाव होगा तो हम लोग इनको ताल ठोक कर, हाथ मिलाकर जो है इनको उठा के धड़ाम से पटक देंगे, ये हम लोगों का अपना मानना है। प्रयागराज वालों के लिए खुशखबरी है, अब प्रयागराज के लोगों को किडनी संबंधित जटिल बीमारियों जैसे किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर व पथ संक्रमण, प्रोस्टेट की लीवर द्वारा सर्जरी एवं किडनी ट्रांसप्लांट आदि समस्याओं इलाज के लिए दिल्ली मुंबई आदि के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शहर के प्रसिद्ध दिव्य रोशनी हेल्थ केयर सेंटर में जल्द ही अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ की ओर से किडनी की गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए विशेष सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ की ओर से प्रयागराज स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी गई, जिसमें लोगों को ट्रांसप्लांट से लेकर हर तरह की समस्याओं से निदान मिलेगा और हर महीने के तीसरे गुरुवार को अपोलो द्वारा दिव्य रोशनी हेल्थ केयर सेंटर में ओपीडी भी चलाई जाएगी। अभी की ओपीडी जो हम अगले महीने कैंप करेंगे वो निशुल्क कैंप होगा, महीने के हर तीसरे गुरुवार को कर रहे हैं। अगले महीने कैंप हम 15 तारीख को कर रहे हैं, 15 दिसंबर को। और ये सुविधा जो है यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी और यूरिन से संबंधित या मूत्र से रोग से संबंधित सारी चीज़ों के इलाज के लिए यहाँ पे ओपीडी कंसल्टेशन की सुविधा दी जा रही है, जो कि अपोलो से मैं डॉक्टर आदित्य कुमार शर्मा हर महीने के तीसरे गुरुवार को यहाँ पे आके पेशेंट्स को देखता हूँ। उसकी क्या टाइमिंग होगी और कौन सी प्लेस होगी जहाँ पर आप लोग ओपीडी चलाएंगे? हमारी ओपीडी दिव्य रोशनी हेल्थ केयर सेंटर में हर तीसरे गुरुवार को हो रही है, हर महीने के तीसरे गुरुवार को। रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्ज निशुल्क? अगले महीने जो कैंप है 15 दिसंबर को वो निशुल्क कैंप है, उसमें कुछ मिनिमल रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, वो कम्युनिकेट करेंगे। इसके अलावा जो रेगुलर ओपीडी है उसमें 700 रुपीज़ का फीस है। संगम नगरी प्रयागराज में करैली में चल रहे बिना पार्किंग के गेस्ट हाउस, बीते दिनों हमने दिखाया था कुछ गेस्ट हाउस और ये कुछ और गेस्ट हाउस हैं जिनके पास पार्किंग नहीं है, जैसे कि अस्करी मार्केट पर ये अनमोल पैलेस है और उसके बगल में मुस्तफा हॉल, जिनके पास आप देख सकते हैं पार्किंग नहीं है। सड़कों पर यहाँ गाड़ियाँ सड़क किनारे खड़ी होती हैं और जब बारात होती है तो जाम लगता है। ये दूसरा गेस्ट हाउस है निका पैलेस, जहाँ यहाँ भी गाड़ियाँ गेस्ट हाउस के बाहर सड़क किनारे पटरी पर खड़ी है, जिससे बारात
चलाने के समय गाड़ियां जब ज्यादा होती हैं तो सड़क पर जाम लगता है। वहीं ये गेस्ट हाउस है हीरा पैलेस, जिसके पास यहां पर भी आप देख सकते हैं बाहरी खड़ी करने का सिस्टम बना है, जिससे जब ज्यादा गाड़ियां होती तो यहां पर भी रात में जाम लगता है। हमने जैसे कि दिखाया था आपको पहले भी कि ये पालकी गेस्ट हाउस का नजारा है, जहां सड़क पर चलती नुडला रोड की सबसे व्यस्त रोड है, मगर गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था ना लगन पैलेस के पास थी, ना पालकी पैलेस के पास, और ना ही इसके बगल में स्थित रंगोली पैलेस था, जिसके पास भी आप देखा था कि गाड़ी इस तरह से बाहर खड़ी है, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। मगर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पीडीए ने बिना पार्किंग के गेस्ट हाउस बनाने की अनुमति कैसे दी, और अभी तक ये गेस्ट हाउस पर चल रहे बिना पार्किंग के किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये नज़ारा है दुल्हन पैलेस गेस्ट हाउस का, जहां यहां पर भी आप देख सकते हैं गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, मगर पार्किंग न होने पर अभी तक पीडीए की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है आखिर पीडीए ने क्यों कार्रवाई नहीं की। और जहां तक यातायात की बात करें तो इन गेस्ट हाउस की वजह से अक्सर यहाँ लंबा जाम लगता है और जिम्मेदार अनजान है। योगी सरकार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, जिसका नज़ीर पेश करता ये वीडियो है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक को चार युवक मिलकर लात घूंसे बेल्ट से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दबंगों की दबंगई, जिसमें हमजा नाम का एक युवक तीन युवकों के साथ एक युवक की जमकर पिटाई कर रहा है। मामला प्रयागराज के पापामऊ क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। करीब ये 3 मिनट के वीडियो में लगातार इस लड़के की पिटाई करते युवक बेल्टों से नज़र आ रहे हैं। मामला क्या है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, मगर ये चार युवक बेल्ट निकाल कर इस युवक की धुनाई करते दिखाई दे रहे हैं। मौके पर ना कोई बचाने वाला था, ना ही कोई पुलिस के अधिकारी। सारे दावे कानून व्यवस्था के कागजों में सीमित। आइए सुनाते हैं क्या कह रहा है पीड़ित युवक माफी मांगते हुए। गलती हो गई है, तेज से मार के मोड़ हो गई। नाम ले तेज से आवाज, तेज से भैया, भाई भैया आगे, गलती हो, फिर से पैर छू के गलती हो गई। हां अब ओके। कार्तिक मास की पूर्णमासी को देव दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक मास में दो दिवाली के पर्व होते हैं, एक जिन्हें मनुष्य मनाता है और दूसरी दिवाली देवों द्वारा मनाई जाती है। दोनों दिवाली को देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को धरती पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वर्ग में देवताओं द्वारा दीपावली मनाई जाती है। इस साल ये पर्व 19 नवम्बर के दिन मनाया जाएगा। मान्यता अनुसार इस दिन नदी में स्नान के साथ साथ दीप दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक महीने की पूर्णमासी को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। सिखों का पवित्र त्योहार यानी गुरु नानक जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 19 नवंबर 2021 को मनाई जा रही है। देव दिवाली की अगर बात करें तो दिवाली दो बार मनाई जाती है। एक बार हम आम मनुष्य मनाते हैं, जिसे कि नॉर्मल दिवाली कहते हैं, जो कि अमावस्या के दिन मनाई जाती है, और कार्तिक महीने की पूर्णमासी को देवता गण दिवाली मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन देवतागण स्वर्ग से धरती पे गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। इसीलिए आज के दिन वाराणसी में दीप उत्सव मनाने से यानी दीप दान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा पवित्र नदियों में दीप उत्सव यानी दीप दान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा करने से हम इस जन्म के कष्टों को तो खत्म करते ही हैं, नेक्स्ट जन्म के लिए भी पुण्य कमाते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है। इसके दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और पुण्य कमाया जाता है। आज के दिन दान पुण्य का भी अपना ही अलग है। गुरु नानक जयंती की अगर बात करें तो उसे भी आज के दिन को प्रकाश उत्सव कहा जाता है। यानी आज के दिन लंगर की व्यवस्था की जाती है गुरुद्वारे में। आज भजन कीर्तन किया जाता है, उसके अलावा फिर लंगर प्रसाद किया जाता है। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन शाम के वक्त लाइट्स जलाने से, कैंडल्स जलाने से, दीप जलाने से गुरु नानक जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर हम देव दिवाली की बात करें, गुरु नानक जयंती की बात करें, दोनों ही में भी आज दीप उत्सव का अपना एक महत्व है। आज के दिन तुलसी जी के आगे भी चौमुखिया दिया जलाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आज के दिन की अगर हम गोचर व्यवस्था की बात करें, यानी कि 19th ऑफ नवंबर की हम गोचर की बात करते हैं, तो गोचर की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। आज के दिन चंद्रमा उच्च का है, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है और उसके साथ राहु की युक्ति बन रही है। इसके अलावा तुला राशि में मंगल और बुध की युक्ति बन रही है जो कि अच्छी मानी जा रही है, और सूर्य और केतु जो है वृश्चिक राशि में युक्ति बना रहे हैं। तो आज के दिन की प्लैनेटरी पोजीशंस भी बहुत अच्छी है और एक अच्छा संयोग बना रही है। इससे आज के दिन की कार्तिक महीने की पूर्णमासी का अपना ही महत्व है और आज के दिन हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए, जिससे हम इस जन्म के साथ अगले जन्म के कष्टों को भी दूर कर सकें। अगर हम दान पुण्य की बात करते हैं और दीप उत्सव की बात करते हैं, तो आज के दिन अगर हम कुछ कष्ट मिटाना चाहें तो कुछ स्पेशल देवताओं के आगे अगर हम दीप जलाते हैं तो उससे हमारी लाइफ के कुछ कष्ट दूर होते हैं। जिन जातकों की लाइफ में हेल्थ रिगार्डिंग काफ़ी लंबे मतलब समय से इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें आज के दिन सूर्य देव के आना चाहिए, यानी सूर्य देव का ध्यान करते हुए उनके नाम का दिया जलाने से देसी घी का लाइफ से हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज कम होते हैं। या इसके अलावा शंकर जी के आगे भी आप दिया जला सकते हैं, इससे हेल्थ रिगार्डिंग यानी रोग कष्ट निवारण होते हैं। जिन लोगों की लाइफ में लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उन्हें आज के दिन कृष्ण और राधा जी के आगे भी दिया जलाना चाहिए और देसी घी का जलाना चाहिए, और गाय के देसी घी का दिया जलेगा तो ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि उनके आगे आज दिया जलाने से लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं और रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है। बिजनेस रिगार्डिंग जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जिनके लाइफ में बिजनेस के इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें आज के दिन गणेश जी के आगे चौमुखिया दिया जलाना चाहिए। उनका दिया आप तिल्ली के तेल से या देसी घी दोनों से जला सकते हैं, उससे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। जिन्हें धन रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें आज लक्ष्मी जी के या कुबेर जी के सामने तिल्ली के तेल का या देसी घी का दिया जलाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी लाइफ में आने वाली फाइनेंशियल रिगार्डिंग इश्यूज की प्रॉब्लम भी समाप्त होती है। इसके अलावा आज के दिन तुलसी जी के आगे ज़रूर दिया जलाना चाहिए और चौमुखिया दिया जलाना चाहिए। एंट्रेंस पे जो घर का एंट्रेंस हो उस पे आज के दिन दिया जलाना शुभ रहता है और लाइफ में आने वाले कष्ट दूर। आशा करती हूँ ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके पर से, सारे भगवानों की कृपा दृष्टि आप सबके पर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शुभ्रा सचिव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव की सदा। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को लगने जा रहा है। हालांकि ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन इसका ज्योतिष व धार्मिक महत्व भी माना जाता है, इसलिए ग्रहण के दौरान कुछ नियम बताए गए जिसका पालन करना आवश्यक होता है। साथ ही इस दिन कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और प्रकाश उत्सव भी है, यानी गुरु नानक जयंती भी है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 19 नवंबर शुक्रवार के दिन लगेगा। खास बात यह है कि इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ साथ देव दीपावली, गुरु नानक जयंती भी है। भारतीय समय अनुसार 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 11:32 से कर शाम 5:33 तक खत्म होगा। भारत का ये ग्रहण समाप्ति के दौरान आंशिक और तौर पर देखा जा सकेगा, फिलहाल भारत के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा। ओम गणपति। इस वर्ष का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को पड़ रहा है। इस दिन कार्तिक पूर्णमासी भी है, देव दिवाली भी है, प्रकाश उत्सव यानी गुरु नानक जयंती, तो उस दिन ये ग्रहण पड़ रहा है। फिलहाल ये भारत के कितने हिस्सों में दिखाई दे रहा है, यानी कि असम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ दिखाई दे रहा है। भारत के बाकी हिस्सों पे इसका इम्पैक्ट कम पड़ रहा है, परंतु ग्रहण ग्रहण होता है, थोड़ा सा इम्पैक्ट सब पे पड़ता है, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो मन का कार्यकेश होता है, धन का कार्यकेश होता है। समुद्र में ज्वार भाटा भी चंद्रमा यानी अमावस्या और पूर्णमासी पे पड़ता है, तो चंद्रमा के ऊपर ग्रहण आना या वो ग्रसित होना थोड़ा सा इम्पैक्ट सब पे बता लेगा। ग्रहण की अवधि है वो सुबह 11:34 से शुरू होगी और 5:33 तक रहेगी। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर ख्याल रखने की ज़रूरत है, उस ड्यूरेशन में वह घर के अंदर रहे, लेटती रहे, चैंटिंग करती रहे, किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकती है, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकती है, महामृत्युंजय का जाप कर सकती है, शिव जी का ध्यान कर सकती है, एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाई मतलब किसी भी शक्ति मंत्र का जाप कर सकती है, एंग्रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्छय का जाप कर सकती है, किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकती है, क्योंकि चैंटिंग करने का अपना इम्पैक्ट है और उससे पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है।
भारत के जिन हिस्सों में नहीं दिखाई दे रहा उस साइड के भी लोग इस चीज का ख्याल रखें। आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने से कष्ट कटते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स हटती हैं। आज के दिन क्योंकि कार्तिक पूर्णमासी भी पड़ी है तो दीपदान का भी अपना विशेष महत्व है। तो आज के दिन ग्रहण पढ़ने के साथ साथ दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि दीपदान करने से और दान पुण्य करने से इस जन्म के कष्ट तो कटेंगे ही कटेंगे, अगले जन्म के कष्टों से भी निवारण होगा। शिव जी का ध्यान करना अति आवश्यक है, या ब्रह्मांडी एनर्जी को एक्टिव करने के लिए शिव जी का ध्यान करना अच्छा सर्वोत्तम है। आज के दिन 6 राशि वालों पर विशेष इम्पैक्ट पड़ रहा है। वृषभ राशि में चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हैं, चंद्रमा उच्च का है लेकिन ग्रहण पड़ रहा है, इसलिए उन राशि वालों जातकों को आज कष्ट पड़ सकता है। इसलिए आज के दिन चावल का दान करना विशेष महत्व कर रहेगा। चावल की खीर बना के दान करेंगे तो उनको अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो नेगेटिव एनर्जीज उन पे आने वाली है उसमें कमी आएगी। मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन लड्डू दान करना शुभमय रहेगा। लड्डू दान करने से आने वाले कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कन्या राशि के जातकों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कन्या राशि के जातकों के लिए आज के दिन पालक का दान करना और गाय को पालक खिलाना विशेष शुभ में रहेगा। चाहे तो किसी को दे भी सकते या गाय को भी पालक खिला सकते, उससे उनकी लाइफ में आने वाले कष्ट कम होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन लड्डू दान करना या चने की दाल और 3 ढेली गुड़ दान करने से लाइफ में आने वाले कष्टों से निवारण होगा। तो आज के दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चने की दाल 250 ग्राम के आसपास की दाल ले सकते हैं और 3 ढेली गुड़ कर सकते हैं, या 250 ग्राम बेसन के या बूंदी के लड्डू भी दान कर सकते हैं, इससे भी उनकी लाइफ में आने वाले कष्ट दूर रहेंगे और शुभता प्राप्त होगी। धनु राशि के जातकों के लिए हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनके लिए गुड़ का दान करना और गाय को गुड़ खिलाना अति शुभ में रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए जो गाय की 3 ढेली गुड़ ले लीजिएगा या 5 ढेली गुड़ ले लीजिएगा, या तो किसी को आप ऐसे दे दीजिएगा, साथ में अगर 250 ग्राम आप तेल सरसों का तेल भी दान करेंगे तो ज़्यादा शुभ होगा। और अगर आप गाय को खिला रहे हैं तो सिर्फ 5 ठेली गुड़ ही आप जो है गाय को खिलाइएगा, इससे लाइफ में आने वाले कष्टों से निवारण होगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। आज के दिन दीप उत्सव यानी दीप दान करना शुभ में रहेगा। ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप पे बरसती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, जय माता। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू की मार झेल रहे लोगों के लिए अब उन्हें अस्पतालों के जंबो प्लेटलेट्स मुहैया कराया जाएगा, जिससे एक यूनिट प्लेटलेट्स में 50,000 से 60,000 तक का काउंट बढ़ने का दावा किया जाता है, जिससे खतरे में होने पर लोगों को अब प्लेटलेट से अधिक यूनिट भागदौड़ में नहीं करनी होगी। आइए जानते हैं क्या है जंबो प्लेटलेट, क्या है इसका रेट और किस तरह से मिलेगी मरीजों को ये जंबो प्लेट, और या किस तरह से ये मरीज ले सकते हैं प्लेटलेट। तो एक यूनिट प्लेटलेट होती है उसमें 55 बिलियन जो प्लेटलेट होते हैं, 55 बिलियन प्लेटलेट्स होती है एक यूनिट में। तो जो सिंपल यूनिट हम लोग चढ़वाते हैं उससे ये देखा जाता है कि 8 से 10 हज़ार यूनिट जो है प्लेटलेट काउंट बढ़ता है, लेकिन ये जो जंबो पैक है इससे ये देखा जाता है कि 50,000 के करीब जो है प्लेटलेट काउंट एक साथ एक जंबो पैक से बढ़ जाता है। और जंबो पैक को कई तरीके से बनाया जाता है, जिसमें दो विधियां हैं। एक विधि ये है कि जो लोग होते हैं उनसे जो ब्लड डोनेट होता है उससे जो प्लेटलेट निकलती है उसको रैंडम डोनर प्लेटलेट्स बोलते हैं, RDP, उससे लेकर के और बनाया जाता है, या फिर एक सिंगल डोनर से भी बनाया जाता है। और इसमें जो एक तरीका नया आया है वो ये है कि जो डोनर है उसके ब्लड को निकाल करके उसमें से प्लेटलेट केवल अलग कर ली जाती है, और बाकी जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं जैसे हीमोग्लोबिन, WBC और प्लाज्मा वगैरह, वो वापस डोनर के शरीर में डाल दिया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट काउंट जो है 3 लाख या 3.5 लाख या 2.5 लाख है, और उसको प्लेटलेट की ज़रूरत शरीर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1.5 लाख की ही है, तो उसकी जो बढ़ी हुई प्लेटलेट है वो डेंगू के मरीजों में
यूज़ की जा सकती है और उसको निकाल करके जंबू पैक बनाया जा सकता है। नॉर्मल प्लेटलेट में और जंबो प्लेटलेट में कितनी क्वांटिटी का फर्क होता है? नॉर्मल प्लेटलेट जो प्लेटलेट काउंट बढ़ाती है वो 8000 से 10000 बढ़ाती है और जंबो पैक जो है लगभग 50000 बढ़ाती है। तो अगर शक्ति की बात करें तो लगभग ये 5 से 6 गुना जो सिंपल पैक होता है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में प्लेटलेट्स को प्रोवाइड करती है। जंबो पैक है वो बेसिकली जो सिंपल पैक होता है प्लेटलेट का उसी का एक मतलब बड़ा फॉर्म हम समझ सकते हैं। जैसे जो जो सिंगल यूनिट आती है, जो सिंगल यूनिट आती है वो चूंकि कम होती है, डेंगू के मरीजों में उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, इसलिए कई सिंगल यूनिट्स को जोड़ करके एक जंबो पैक का बना करके जो है उसको जो है चढ़ाने के लिए वो किया जा रहा है, ये प्रक्रिया बनाई गई है। और इसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अगर जो प्लेटलेट डोनेट करता है, जैसे अगर वो हीमोग्लोबिन नहीं डोनेट कर रहा, केवल प्लेटलेट डोनेट कर रहा है, तो वो 3 यूनिट प्लेटलेट डोनेट कर सकता है एक दिन में। डॉक्टर साहब, इसका कुछ प्राइस भी है कितना? सरकार ने इसका जो प्राइस निर्धारित किया है वो 8000 रुपये के करीब है और सरकार ने जो है कई मरीजों के लिए, जैसे थैलेसीमिया के रोगी जो हैं उनके लिए निःशुल्क रखा है और सरकारी अस्पतालों में जो गरीब मरीज हैं उनको तो फ्री में भी ये मिल जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो कैसे मिलेंगे मरीजों को प्लेटलेट मिलने में, इस तरह की समस्या होती है या मिल जाता आसानी से, क्या? जब डेंगू का सीज़न आता है या प्लेटलेट की कमी का वो होता है उस समय बहुत सारे मरीज डेंगू के होते हैं और बहुत सारे लोगों को प्लेटलेट की आवश्यकता होती है, तो इसलिए काफ़ी लोगों में प्लेटलेट की कमी देखी जाती है कि मिलने में। लेकिन सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि कोई भी आप अपने साथ डोनर ले जा करके, किसी भी ब्लड ग्रुप का डोनर ले जा करके, सिंगल डोनर जो सिस्टम है, सिंगल डोनर प्लेटलेट है, उससे आप उसका प्लेटलेट निकलवा करके चढ़वा सकते हैं। तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हमको सेम ग्रुप का चाहिए और मतलब पूरा खून निकलवाना है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो प्लेटलेट काउंट जिसका सामान्य है, वो जा करके आपको प्लेटलेट डोनेट कर सकता है, इसलिए इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में आज भारतीय किसान यूनियन की किसानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरना स्थल पर कई दर्जन ट्रैक्टर के साथ पहुंचे इन किसानों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन के सामने रखा है। भारतीय किसान यूनियन ने इन सदस्यों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वे धरना स्थल से वापस अपने घर नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बार का जो प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को लेकर के नहीं है, ये हमारे जनपद प्रयागराज के किसानों और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें खाद का मामला प्रमुख रूप से है। पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत है, उसी प्रकार से प्रयागराज में भी खाद की किल्लत है। खाद की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, उस पर लगाम कोई नहीं लगा रहा है। धान क्रय केंद्रों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है, जो जिन धान क्रय केंद्रों पर क्रय खरीदा जा रहा है किसानों का धान, वहाँ भी 1200 से 1500 का ही रेट मिल रहा है, जबकि 1960 का जीओ है सरकार का। उसके बाद पुलिस से संबंधित कुछ मामले हैं, प्रयागराज विकास प्राधिकरण का मामला है, इस तरीके की 16 बिंदु की हमारी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं हो रही है तो 1 महीने का तो हम टारगेट बना के आए हैं, अपना राशन चूल्हा गैस लकड़ी सब लेकर के आए, कंडी लेकर के आए, पराली लेकर के आए। हाँ, ये DM साहब के कलम में पावर है, वो जब करा देंगे हम लोग चले जाएंगे। वो 1 घंटे में करा दें, 1 महीने में करा दें, हम लोग कर देंगे, तब तक नहीं हटेंगे, तब तक होगा। अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी ने तहसील पर जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में गंगा पार तीनों तहसीलों में आलू, गेहूं, चना, मटर आदि की बुआई के समय किसानों को हो रही परेशानी और बेबसी को लेकर सरकारी समितियों के कर्मचारियों व अधिकारियों की मिली भगत करके खाद को ब्लैक में बेच दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र समिति तक नहीं पहुंच रही है और किसान उर्वरक 300 से 500 तक ज़्यादा कीमत देखने कर मजबूर हैं खरीदने पर। राज्यपाल के नाम प्रेषित ज्ञापन ये मांग की गई कि तत्काल कालाबाजारी लगाम लगाई जाए और किसानों को निवृत्त तरीके से
उर्वरक खाद मुहैया कराई जाए जिससे किसानों की फसल को कोई नुकसान ना पहुंचे। संगम नगर प्रयागराज के ये करैली की सी ब्लॉक का नजारा है। अगर विकास देखना हो तो करैली की सड़कों पे आइए, जहां बीजेपी का विकास खुलेआम दिखता है। हालात तो सड़क के ऐसे हैं, गांव की सड़क भी बेहतर होगी। आने जाने वाले लोग यहां रोज दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और रात के अंधेरे में गड्ढों में लोग अक्सर गिरते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। ये क्षेत्र है मंत्री नंदी का, जहाँ विकास की गंगा बह रही है सड़कों पर, और आप देख सकते हैं विकास के सारे दावे कागजों में सीमित। संगम नगरी प्रयागराज में जहां ठंड ने दस्तक दी तो वहीं बाज़ारों में गर्म कपड़ों की दुकानें सज गईं, मगर जब हमने बाज़ारों में बात की तो दुकानदारों की चौंकाने वाली बात सामने आई। बता दें, दुकानदारों का कहना था कि ठंड आ चुकी है और हम लोग के नए स्टॉक ठंड के आ चुके हैं, मगर बाज़ारों में बिक्री नहीं है। कोरोना का असर अभी भी है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है, जबकि बच्चों के लिए आदमी पहले कपड़ा खरीदता है गर्म और अपना तो मैनेज कर लेता है, मगर इस बार बच्चों के भी गर्म कपड़ों की सेल नहीं है। वहीं कई प्रकार के नए ड्रेस बच्चों के लिए बाज़ार में आए हैं, मगर बिक्री अभी कुछ भी नहीं है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। आ गया और बहुत अच्छे से आ गया, हम लोगों ने उम्मीद भी खूब ज़्यादा थी और काफ़ी सामान बच्चों के लिए ठंड का लेके आए, क्योंकि प्रिकॉशन की उन्हीं को ज़रूरत होती है, बच्चों को पहले, बड़े तो एक बार मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कारोबार का हाल ये है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, और वो इस बार मतलब उम्मीद के एकदम भी नीचे चला गया मामला। अब शायद ठंड बढ़े तो लोग बच्चों के लिए लें, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे थोड़ा बहुत भी हम लोगों को सहारा मिले। अभी कोई सेल नहीं है। जैकेट आई हुई है, ऑफसेट वाले उलेन आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे आए हुए हैं। मोहम्मद शेखू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तुलसी विवाह के बाद मांगलिक कार्यक्रम चालू हो जाता है और शादी बारात हर तरह की लग्नों का मौसम शुरू हो गया है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में जिसकी वजह से कोरोना कारण का असर अब भी दिख रहा है, जहां शादी विवाह के कार्यक्रम तो शुरू हो गए हैं, लोग शादी विवाह करना चालू कर दिया है, मगर जब हम फर्नीचर की शॉप पहुंचे और उनसे बात करी तो उनका कहना था कि जिस तरह से बिक्री होती थी अभी नहीं है और बिक्री एकदम नहीं के बराबर है, और आने वाले वक्त में शायद कुछ हालात सही हो जाएं, मगर देखा जाए तो फर्नीचर व्यापारियों की भी हालत दयनीय है, क्योंकि ना ही बिक्री हो रही है और ना ही सामान बिक रहा है। ऐसे में उनको अपना घर चलाना और बाकी खर्चे भारी पड़ रहे हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहना है फर्नीचर व्यापारी का इस पूरे मामले पर। हाँ, सही कहा आपने, शादी वगैरह के ऊपर तो सरकार ने छूट दे रखी है कि पहले की तरह अब आम हो गया है शादी करना और गेस्ट हाउस वगैरह में बुकिंग कराना सब हो गया है। लेकिन जो कोरोना काल का हालात था पिछले साल से इस साल में भी, उससे लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी है, लोगों के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा पहले की तरह नहीं रश होता मार्केट में और परचेजिंग वगैरह भी कम हो रही है। हाँ, नहीं बिक्री तो उस तरह नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए इस साल, हो सकता है आने वाले सालों में जो है फिर बेहतर होगी। सेल है बहुत कम है, बिल्कुल से ऐसा नहीं के बराबर है, लेकिन कम है अभी। हमारा नाम इंतखाब अहमद है। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक ओर यातायात वहाँ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं नाबालिग छात्र किस तरह से बिना गाड़ी पर हेलमेट के चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बता दें, प्रयागराज की सड़कों पर जहाँ छात्र किस तरह से फर्राटे गाड़ियों से भर रहे हैं, ना ही सर पर हेलमेट है और ना ही आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बिना नाबालिग छात्र किस तरह से सड़क पर गाड़ियां चला रहे हैं और जिम्मेदार अनजान हैं। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़क का नज़ारा है, जहां यातायात माह में किस तरह से डग्गा मार ऑटो चालक धज्जियां नियम की उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हीरो की स्टाइल में ये युवक पीछे टैक्सी पर खड़ा है और गाड़ी हवा से बात कर रही है और कान में एक हाथ से मोबाइल से बात कर रहा है, मगर नियम कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ती रहीं और यातायात पुलिस गायब दिखाई दी और खुलेआम नियम कानून का होता रहा उल्लंघन।
देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।